टॉपिक है एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। रोड शो हिंसा, अमित शाह के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। पश्चिम बंगाल की 9 सीट पर मतदान होना है। अभी तक राज्य में हुए 6 चरणों के मतदान के दौरान बीजेपी और राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच लगातार हिंसक संघर्ष देखने को मिला है। मंगलवार को कोलकाता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। बीजेपी का कहना है कि इस हिंसा में पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि रोड शो के दौरान टीएमसी की छात्र इकाई ने यह हमला करवाया है। बुधवार को कोलकाता पुलिस ने अमित शाह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। जोड़ाकान शो और एमहर्स स्ट्रीट थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह दोनों एफआईआर टीएमसी की छात्र इकाई की शिकायत पर दर्ज की गई है। पंजाब में चुनाव प्रचार से पहले अलवर सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से मिलने जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को राजस्थान में अलवर सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता से मुलाकात करेंगे। अनुसूचित जाति की महिला के साथ कथित तौर पर 26 अप्रैल को 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। केवल इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके पति को बुरी तरह मारा था और उनके मौजूद 2000 रुपए लूट लिए। राहुल चुनाव प्रचार के लिए पंजाब जाने से पहले पीड़िता से मिलेंगे। पंजाब में आखिरी सीटों के लिए रविवार को मतदान होने हैं। गांधी महिला ऐसे समय पर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं जब राज्य सरकार को भाजपा इस मामले को लेकर घेर रही है। जब पीड़िता पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची तो उसे यह कहकर भेज दिया गया कि अभी चुनाव है। राजस्थान सरकार ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की। दुष्कर्म का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो दबाव में आकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। 5 आरोपियों जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था और जिसने वीडियो बनाया वो पुलिस की गिरफ्त में है। छठवां आरोपी जिसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। भगोड़े विजय माल्या को लंदन में मकान के भुगतान के लिए मिला और समय। समस्याओं में घिरे विजय माल्या ने एक गृह ऋण को लेकर स्विट्जरलैंड के बैंक UBS के साथ कानूनी विवाद का समाधान कर लिया है। बैंक ने माल्या को लंदन के एक महंगे इलाके में एक आवासीय फ्लैट के लिए लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए अगले साल अप्रैल तक का समय दे दिया है। बैंक ने 2 करोड़ पॉट कर्ज का भुगतान नहीं करने को लेकर माल्या के भव्य कर्णवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने के लिए कदम उठाया था। मामले में सुनवाई पिछले सप्ताह होनी थी। माल्या के खिलाफ भारत में बैंकों के साथ कर्ज में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में कानूनी कार्यवाही चल रही है। भारत के कानून के तहत उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। हालांकि ब्रिटिश उच्च न्याय की सांचरी खंडपीठ के न्यायाधीश सिमोन बार्कर द्वारा सोमवार को जारी अदालत के सहमति आदेश के अनुसार मामले में समझौता होने के बाद सुनवाई को रद्द कर दिया गया है। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि माल्या को मकान में रहने की अनुमति दी जाती है, लेकिन अगर 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज कर भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक उसे संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकते हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।